अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी कढ़ाई। खूब अच्छा सा मक्खन का फ्लेवर आता है इसमें। ये मखनी कढ़ाई है, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डलते इसमें, दही और टमाटर दोनों शामिल किए जाते हैं, उसी से इसका मसाला बनता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। दावतों के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है ये, गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मखनी कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी कढ़ाई में, हाफ के जी चिकन डालूंगी इसमें, फ्राई करेंगे इसको। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो गया है। 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसमें, 1 मिक्स करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए मैंने, इनका छिलका उतार दिया है, और 1 बड़ी वाली हरी मिर्च ली, इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे डालूंगी इसमें, मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को भी। हल्की आँच पर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करूँ ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखा दूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था, अब मैं इसको चेक करती हूँ। चिकन भी गल गई है और ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं जो नज़र आ रहे हैं, इसको मैं मैश कर दूंगी स्पून से इस तरह से। 150 ग्राम मैंने दही लिया, ये डालूंगी इसमें, फेंट लेंगे इसको। भूनेंगे इसको, दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून धनिया है कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। भूनेंगे इसको, एक टेबल स्पून मक्खन डालूंगी इसमें, 1/2 टेबल स्पून मक्खन का फ्लेवर आता है इसमें। ये मखनी कढ़ाई है, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डलते इसमें, दही और टमाटर दोनों शामिल किए जाते हैं, उसी से इसका मसाला बनता है। मसाला इसका खूब अच्छा सा तैयार हो गया, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया है इसका। 2 हरी मिर्चें डालूंगी इसमें, जूलियन अदरक है ये डालूंगी इसमें, मिक्स कर देंगे इसको। पाँच मिनट के लिए हल्की आंच में इसको दम पे रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मखनी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। जी तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मखनी कढ़ाई, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये।
आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।